नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन दिवस पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं प्रभु के चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि मेरा देश दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और यहाँ के सभी लोग आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत से रहें। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे द्वारा भेजी गई खबरें चंडीगढ़ और पंजाब के जो सिरमौर अखबार हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी, उनमें छपती रही हैं और छप रही हैं। पिछले 45 वर्षों में पत्रकारिता के संबंध में बहुत कुछ चेंज आया है और बहुत तरक्की हुई है। मुझे याद आते हैं 45 साल पुराने वो दिन जब सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि एक समाचार को अखबार के दफ्तर में कैसे भेजा जाए। सबसे पहले हमने उसको पोस्ट कार्ड पर या डाक द्वारा भेजना शुरू किया। कुछ समय के पश्चात अखबारों द्वारा मुझे टेलीग्राफिक अथॉरिटी दी गई, जिसके द्वारा पोस्ट ऑफिस में बिना पेमेंट किए टेलीग्राम द्वारा खबरें भेजी जाती थी। धीरे धीरे तरक्की होती गई, हाथ से खबरें लिखने का रिवाज शुरू हुआ। उसके पश्चात ये प्रश्न हुआ कि इन खबरों को कैसे भेजा जाए। अखबारों द्वारा अपने बस स्टैंडों के ऊपर बॉक्स लगा दिए गए। हमें कहा गया कि हम किसी भी बस के ड्राइवर के द्वारा इस लिफाफे को भेजें और वो उस बॉक्स में डाल दें। वहाँ से अखबारों के दफ्तर से उन लिफाफों को उठा लिया जाता था। उसके पश्चात कई अखबारों ने ये प्रयोग किया कि वो अब बस के अंदर अपना एक आदमी सायं 4-5 बजे के करीब भेजने लग गए और वो रास्ते में जहाँ जहाँ भी वो बस रुकती थी वहाँ से पत्रकारों के लिफाफे लेकर चला जाता था। धीरे धीरे और तरक्की गई होती गई और टाइपराइटर का ज़माना आया। पहले टेलीप्रिंट बड़ा जो रेमिंगटन टाइपराइटर बहुत बड़ा होता था, उसके द्वारा खबरें टाइप की जाती थी। उसके पश्चात टाइपराइटर भी बहुत मॉडर्न आए। उसके पश्चात फैक्स का ज़माना आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सबसे पहले मैंने खरड़ में फैक्स मशीन खरीदी और अपने कार्यालय में लगाया तो लोग देखने के लिए आते थे कि उसमें से प्रिंट हुई हुई चिट्ठी कैसे निकल जाती है। मैंने खबरें फैक्स द्वारा भेजनी शुरू की और इसके साथ ही जो मेरे पत्रकार साथी थे जो आज बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, उनकी खबरें मैं अपनी फैक्स के द्वारा दफ्तरों में भेजता रहा। उसके बाद और तरक्की होती गई और कंप्यूटर का ज़माना आया। कंप्यूटर से खबरें टाइप करके फैक्स द्वारा लंबे समय तक हम भेजते रहे। उसके पश्चात अब ईमेल का ज़माना आया है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे जितने मर्जी पेज हो, जितनी मर्जी लंबी खबर हो, जहाँ मर्जी आप बैठे हों, सेकंडों के द्वारा ये खबरें जो हैं वो दफ्तरों में पहुँच जाती हैं। दोस्तों, पिछले लंबे समय में हमने अपने बहुत ईमानदारी और बगैर किसी पक्ष के साथ जुड़े हुए अपना काम करने की कोशिश की है और 25 वर्षों से हमारा युगमार्ग भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है। पर हमारे पाठकों की और हमारे साथ जुड़े हुए पत्रकारों की ये मांग थी कि क्योंकि अब ज़माना डिजिटल हो चुका है और टीवी का युग आ गया है और जितने भी युवा हैं वो टीवी से जुड़ रहे हैं, इसलिए हम भी टीवी के डिजिटल के साथ जुड़े। यही सोचते हुए हमने सभी ने ये मिलकर फैसला किया कि क्यों ना युगमार्ग टीवी शुरू किया जाए। मैं जो आपने सहयोग हमें पिछले समय में दिया है उसके लिए आपका बहुत धन्यवादी हूँ और भविष्य में भी आपसे ये कामना करता हूँ कि आप हमें इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे। इस अवसर पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय में अखबारों की सर्कुलेशन में कमी का रुझान है। मैं देखता हूँ कि हर अखबार की जो सर्कुलेशन है वो कम हो रही है और इसके साथ ही जो टीवी का युग है वो आगे जा रहा है। पर मैं अपने साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल समाज के नीचे स्तर पर बैठा है, वो आज भी अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए या उसके साथ कोई धक्का हो रहा है
तो पत्रकारों के पास ही आता है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सभी कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें ताकि वो गरीब आदमी जिसकी कोई सुनवाई नहीं है उसकी हम सुनवाई करें। और मैंने ये अपने तजर्बे से देखा है कि जब कभी हम उस आदमी की खबर छापते हैं या उसको इस टीवी के ऊपर हम रिले करेंगे तो उससे उसका जहाँ पर उसकी मानसिक तौर पर संतुष्टि होती है वहाँ उसकी प्रॉब्लम्स की कई बार हल भी हो जाती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों तक वो बात पहुँच जाती है और उसको काफ़ी रिलीफ मिलती है। मैं इस अवसर पर आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम नेगेटिविटी का जमाना छोड़ें और इसके द्वारा एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का जमाना भी छोड़ें। अब समय पॉजिटिविटी का आ गया है। क्यों हमें सारा दिन सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है? हम चैनल देखते हैं कि सुबह से शाम तक एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं और क्राइम की खबरों को वो बहुत उठा रहे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज में चाहे क्राइम में बहुत बढ़ोतरी हुई है और चाहे सियासी लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत दोष लगा रहे हैं, पर इसके साथ अच्छाई की भी कोई कमी नहीं है। आप देखें कि कैसे धार्मिक स्थानों पर जब आप जाते हो तो हज़ारों की गिनती में लोग लंगर लगाए हुए बैठे होते हैं। इसी प्रकार जब खूनदान के कैंप लगते हैं तो अनगिनत लोग खून देने के लिए आते हैं। और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य हो रहे हैं, चाहे इकट्ठी शादियाँ हो रही हो, चाहे दान पुण्य का काम हो रहे हो, गरीबों को कंबल बांटने का काम हो रहा हो, बेशुमार लोग आते हैं और ये काम करते हैं, पर हम जो हैं उनको इग्नोर करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम इन लोगों की खबरें आगे लगाएं ताकि समाज में जो आज अंधेरा छाने जा रहा है उसमें हम कुछ ना कुछ दिए की रोशनी उसमें पैदा कर सकें। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा युगमार्ग टीवी भी युगमार्ग अखबार की तरह बिल्कुल एक पूरा ईमानदारी से और बगैर किसी पक्ष का के साथ जुड़े काम करता रहेगा। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, विशेषकर अपने पाठकों का और अपने पत्रकार साथियों का, अपनी एडिटोरियल टीम का, और यहाँ तक कि जो दूसरे प्रिंटिंग के काम में लगे हुए हैं, चाहे वो अपने अखबार को आगे टैक्सियों द्वारा लेके जाने का कार्य करते हैं। मैं उन एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से लेकर एडिटर इन चीफ तक सभी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है। और मैं उन सभी से भविष्य में भी ये कामना करता हूँ कि वो इसी प्रकार हमें सहयोग देते रहेंगे ताकि हम युगमार्ग टीवी को भी बहुत ऊंचे लेके जा सके। मैं इस अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। जो पिछले 30-35 वर्षों से हमारे समाज की सेवा कर रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया का एक पेपर है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये निष्पक्ष भाव से जैसे पहले समाज की सेवा करते हैं आगे भी ये इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये सेवा करेंगे। इनके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि इनका चैनल जैसे पेपर ने तरक्की की है उसी प्रकार ये चैनल भी दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की करते हुए समाज सेवा में हमेशा लगे रहे। मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई है कि दैनिक समाचार पत्र युगमार्ग अपना टीवी चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। समाज के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कहे जाने वाले और लगातार वर्षों से अपनी उपस्थिति लोगों को जागरूक करने में, चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से ये समाचार पत्र उठाता रहा, उसके द्वारा ये जो टीवी चैनल लॉन्च किया जा रहा है, आशा के अनुरूप ही वह जनता में जनता की आवाज़ को और जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष की सकारात्मक भूमिका को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते, इस समाचार पत्र समूह के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि यह समाचार पत्र जिस प्रकार से अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए है उसी के अनुरूप ही इस टीवी चैनल के माध्यम से यह जनता में अपनी एक अलग पैठ बनाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद, आभार। उत्तर भारत का प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर युगमार्ग, जो कि
अब अपना टीवी चैनल शुरू करने जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये टीवी चैनल समाचार पत्र की तरह ऊंचाइयों को छुए और देश की सेवा करें। धन्यवाद। नमस्कार। कंग्रेचुलेशन ऑन लॉन्चिंग जगमार टीवी एंड विशिंग मोर सक्सेस इन फ्यूचर। शोरीलाल बैंस, ब्यूरो चीफ, जगमार। थैंक्स।